हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम ऑन बाय फन लर्निंग आई एम डॉक्टर सरिता अग्रहरी एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास टेंथ चैप्टर सिक्स दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस दिस इज़ द सेकेंड सेशन ऑफ़ लाइफ प्रोसेसेस इन फर्स्ट सेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द न्यूट्रिशन तो लाइफ प्रोसेसिस में हमें पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होता है लिविंग थिंग्स अलाइव है ये हम कैसे पहचाएंगे क्या क्राइटेरिया है उसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो मूवमेंट होती है उनमें उनमें एक्सटर्नल मूवमेंट होगी इंटरनल मूवमेंट होगी ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स फूड वाटर एंड एयर टू लिव फॉर एग्जांपल सारे ह्यूमंस हो गए एनिमल्स बर्ड्स प्लांट्स बैक्टीरिया ये सब क्या है लिविंग थिंग्स हैं सो वॉट इज द लाइफ प्रोसेस मीन्स लाइफ प्रोसेस मीन्स द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ मतलब जो बेसिक प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलाइव रखने के लिए लिविंग रखने के लिए उनकी लाइफ मेंटेन करने के लिए नेसेसरी होती है उन प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं तो बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन रेस्परेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन हम ऑलरेडी हमारे पार्ट वन में पढ़ चुके हैं दिस इज़ द पार्ट टू इसमें हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो जैसे कि आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है फूड लेता है उससे उसकी बॉडी बिल्ट होती है ग्रोथ होती है लेकिन न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन लेने से डायरेक्टली वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है बॉडी में फूड से डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में जो फूड वो इंटेक करता है और ऑक्सीजन uh, की हेल्प से वो फूड बर्न किया जाता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है ये सब कैसे होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद होता है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन में जो भी फूड ऑक्सीजन वाटर वेस्ट प्रोडक्ट जो भी फॉर्म होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है और एक्सक्रीशन में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको एक्सक्रीट किया जाता है सो लेट स्टार्ट्स रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन होता क्या है रेस्पिरेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट टू द सेल एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्हेल करती है बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती है रिलीज करती है तो रेस्पिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि फूड को बर्न करता है जो न्यूट्रिशन बॉडी ने लिया है जो फूड बॉडी ने इंटेक किया है उस फूड को बर्न करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और ये प्रोसेस होती है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में तो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी uh, प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है फूड बर्न हो रहा है उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन में वो एटीपी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर होती है एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी जैसे कि इंडिया की करेंसी है रुपीस आप रुपीस देकर अपना कोई भी काम कर, कर करवा सकते हो वैसे ही बॉडी के अंदर भी जो भी काम करने के लिए जो भी वर्क करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ए के फॉर्म में होती है जैसे वॉकिंग टॉकिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन होना है प्रोटीन सिंथेसिस कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस या बहुत सारे कोई भी काम हो होते हैं बॉडी के तो उस सबके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ए के फॉर्म में बॉडी में स्टोर होती है ए का फुल फॉर्म होता है एडिनोजीन ट्राई क्या होता है एडिनोजीन ट्राई फॉस्फेट एडिनोजीन ट्राईफॉसफेट बनता है ए और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ए डी पी मीन्स एडिनोजीन डाईफॉसफेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन दोनों से बनता है ए टी पी एडिनोजीन ट्राईफॉस्फेट और जब भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ए टी पी फिर से डाउन ओके ए डी पी फॉर्म होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है और जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ए टी पी ब्रेक डाउन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है वो होती है थर्टी पॉइंट फाइव जूल पर मोल कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी थर्टी पॉइंट फाइव जूल पर मोल इतनी एनर्जी रिलीज होगी तो जितने भी एनर्जी बॉडी को रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली ए टी पी वहाँ पर रिलीज़ होगा और एडीपी फॉर्म होगा सो दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन ए टी पी से ए डी पी फॉर्म होना और ए डी पी से ए टी पी फॉर्म होना सो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर इज एनरोबिक रेस्पिरेशन अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में जैसे कि ह्यूमस में होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म शो एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें क्या होता है जैसे कि हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ब्रेकडाउन uh, होता है ग्लूकोज में अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुबेट में और पायरुबेट कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज होगी एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू द एनोरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ आप देख सकते हो एरोबिक रेस्पिरेशन इन सेल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म उसे कोई साइटोसोल भी कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है तो जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस और फिर वो पायरुबेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुबेट कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और ए रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में इन साइट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन इतना ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं पढ़ेंगे तो आपको बस इतना याद रखना है कि ग्लूकोज से पायरुबेट कन्वर्ट होगा साइटोप्लाज्म में और पायरोट से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड द सेकेंड टाइप ऑफ रेस्परेशन इज एनारोबिक रेस्परेशन एनारोबिक रेस्परिएशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनोरोबिक रेस्परेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो ऑक्सीजन के एबसेंस में होता है और इसमें बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो एंड प्रोडक्ट होता है एनारोबिक रेस्परेशन में वो होता है लैक्टिक एसिड और इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होगी एनोरोबिक रेस्परेशन मसल सेल्स में भी मसल सेल्स में होता है और ईस्ट में होता है जो मसल सेल्स में एनरोबिक रेस्परेशन होता है वहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुबेट में और पायरुबेट कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज करेगा और जो ईस्ट सेल में एनारोबिक रेस्परेशन होगा वहाँ पे ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और पायरुबेट बाद में कन्वर्ट होगा इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी सो दिस इज़ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज़ इन सभी पाथवेज़ में ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होगा पायरुवेट में और कुछ ए टी पी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे ये प्रोसेस होता है सेटोप्लाजम में सारे प्रोसेसिस में सारे पाथवेज़ में जो माइटोकॉन्ड्रिया uh, में होता है इनप्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पायरुवेट से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी यहाँ पे थर्टी एट मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टी पी फॉर्म होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल से थर्टी एट ए टी पी फॉर्म होते हैं इन एरोबिक रेस्परेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है लेकिन इन इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स पायरोट से लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इन ईस्ट इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरवेट से इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहाँ सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपीज फॉर्म होते हैं जो कि बहुत लेस एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन नाउ लेट स्टडी रेस्परेशन इन ह्यूमन्स द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर नॉस्ट्रिल्स निर्जल कैविटी फैरिंग्स लैरिंग्स प्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकि लंग्स एंड डायफ्राम तो एयर एंटर करती है नेजल कैविटी से नेजल कैविटी में हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है जिससे कि एयर फिल्टर होकर वो विंड पाइप में एंटर करेगी और थ्रोट में प्रेजेंट होता है फैरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया ट्रैकिया जो होता है वो सी शेप्ड कार्टिलेज से बना होता है ये सी शेप्ड कार्टिलेज से इसलिए बना होता है ताकि जो एयर इन और आउट होती है तब वहाँ की मेम्रेन कोलैप्स ना हो एक दूसरे को चिपक ना जाए तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी अगर वो चिपक गई तो इसीलिए ट्रैकिया सी शेप्ड कार्टिलेज से बना होता है कार्टिलेज थोड़ा हार्ड होता है टिश्यू से और ट्रैकिया फिर फर्दर दो ब्रांच में डिवाइड होता है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाय राइट ब्रोंकाय एंड लेफ्ट ब्रोंकाय राइट ब्रोंकाय एंटर करता है राइट right लंग में और लेफ्ट ब्रोंकाय एंटर करता है लेफ्ट लंग में दो लंग्स होते हैं राइट लंग एंड लेफ्ट लंग ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करता है स्मॉल ब्रांचेस में जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियोल्स फाइनली एंटर करता है बलून लाइक स्ट्रक्चर में जिसे कहते हैं एल्वियोलाय एलवियोलाय में एंटर करता है ब्रोंकियोल्स और सबसे नीचे लंग्स के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होती है जो कि लंग्स को इनहलेशन और एक्सलेशन में हेल्प करता है डायफ्राम एक रॉड शेप्ड मसल्स होती हैं सो दिस इज द कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन यहाँ आप देख सकते हो कि रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है एयर एंटर करती है नेजल कैविटी से फिर विंड पाइप में आती है ट्रैके में एंटर करती है उसके बाद ब्रोंकाई में आती है और फिर ब्रोंकाई से ब्रोंकि में आती है एंड फाइनली एंटरसिन टू एल्वियोलाई एल्वियोलाई एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका सरफेस एकदम प्लेन नहीं होता है सरफेस थोड़ा सा इरेगुलर होता है एल्वियोलाय का सरफेस प्लेन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए जैसे कि इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्बन हो वैसे ही यहाँ पे एल्वियोलाय प्लेन नहीं होता है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए ये स्मॉल एयर सैक्स होते हैं उसके बाहर बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्बन का काम करते हैं इसलिए मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो इसलिए वहाँ पे एलवियलोई जो होती है इस तरह से अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इस तरह से एयर सेक्स उसमें प्रेजेंट होती है एलवियलोए के बाहर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है उसके अंदर ब्लड होता है ब्लड में आर होते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज़ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन तो जो एलवियोलाई में ऑक्सीजन आता है उसको हिमोग्लोबिन uh, एब्सॉर्व कर लेता है और वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन इज वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर तो कार्बन uh, डाइऑक्साइड वैसे ही ब्लड में डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर फिर ट्रांसपोर्ट होता है अगर मान लो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता तो ऑक्सीजन मूव कैसे होता डिफ्यूजन प्रोसेस से मूव होता तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लंग्स से टो तो तक पहुंचने में अप्रॉक्सीमेटली थ्री इयर्स लग जाते तो आपको खुश होना चाहिए कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है जिसके वजह से ब्लड में ऑक्सीजन बहुत फास्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है और जब हम एयर ब्रीथिंग करते हैं तो मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाती है और डाउनवर्ड साइड को मूव करती है और चेस्ट कैविटी एक्सपांड हो जाएगी और एयर पूरी एंटर होगी लंग्स के अंदर और लंग्स भी एक्सपांड हो जाएंगे और जब ब्रीथ आउट करते हैं तब मसल्स रिलैक्स हो जाएगी डायफ्राम मसल्स रिलैक्स हो जाएगी और अपवर्ड साइड में मूव करेंगी और चेस्ट कैिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगी क्योंकि एयर उसमें से पास आउट हो चुकी है एयर गोस आउट तो लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे इस तरीके से ब्रीथिंग का मैकेज़म चलता है यहाँ आप देख सकते हो जैसे ही ब्रीथ इन होता है तो लंग्स एक्सपांड होती है और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और जैसे ही ब्रीथ आउट करते हैं तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और डायफ्राम मसल्स रिलैक्स होकर अपवर साइड में मूव करती है और ऑक्सीजन इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल किया जाता है तो अब आपको रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स प्लांट्स में गैसेस जो एक्सचेंज होती है वो होती है स्टोमेटा के थ्रू ये हमने हमारे प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा था कि स्टोमेटा प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है और प्लांट के अंदर लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है ताकि हर एक सेल को एयर मिल सके तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस होती है वो एक्सचेंज होती है बाय द डिफ्यूजन उनके अंदर कोई हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है तो ये सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसेस एक्सचेंज होती है प्लांट में प्लांट्स में सी एलिमिनेशन होता है रात में भी होता है दिन में भी होता है लेकिन डे टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर तो जितना भी सी ओ एलिमिनेट होता है वो सी ओ यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में तो सिर्फ मेजर रिलीज जो होता है ऑक्सीजन होता है सी ओ टू रिलीज नहीं होता है दिन में लेकिन रात के टाइम में सी ओ टू एलिमिनेशन मेजर फैक्टर होता है इसीलिए कहते हैं कि रात के टाइम पेड़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सी ओ टू ज़्यादा रिलीज होता है रात के टाइम में नाउ लेट स्टडी रेस्परेशन इन फिश फिश के अंदर कैसे रेस्परेशन होता है फ़िश में उसके माउथ से और गिल्स से रेस्परेशन होता है फिश कंटिन्यूसली अपने माउथ से वाटर लेती रहती है और वाटर के अंदर जो डिजॉल्ड ऑक्सीजन होता है वो उसके ब्लड में आ जाता है और जो बचा हुआ वाटर होता है वो गिल्स से पास आउट हो जाता है वाटर में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्टर होता है एज़ कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्योंकि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत लेस अमाउंट में होता है वाटर वाटर में जो ऑक्सीजन होता है बहुत कम अमाउंट में होता है क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर और एयर में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है तो फिश को कंटीन्यूसली अपने माउथ को और गिल्सलिट्स को ओपन और क्लोज करते रहना पड़ता है ताकि वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन लेते रहे वाटर से इसलिए आपने आपके आग, यहाँ अगर एक्वेरियम होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फ़िश हमेशा अपना कंटिन्यूसली अपना माउथ और गेसलेट्स ओपन और क्लोज करती रहती है यहाँ रेस्पिरेशन का पार्ट कंप्लीट होता है आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन कैसे होता है ह्यूमंस में प्लांट्स में फिशेस में किस तरीके से होता है अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो इन एम का आंसर्स भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है अगर और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू